अगर आप हॉरर मूवीज देखना पसंद करते हो और आप इंसीडियस मूवी के सभी चैप्टर्स देख चुके हो तो आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले इंसीडियस मूवी का एक नया चैप्टर आया था, इंसीडियस द रेड डोन। इसका जो नया चैप्टर है वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुका है। ये नया चैप्टर मैंने देखा, मुझे ये वाली मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगी। हॉरिफाइंग भी है देखने में, एंटरटेनिंग भी लगी मुझे। बट ये मूवी फैमिली टाइप की नहीं है देखने में, ना ही आप इस मूवी को बच्चों को दिखा सकते, क्योंकि मूवी हॉरर है। इस वजह से मूवी को ए रेटिंग दी गई है। आपको ये मूवी अकेले ही देखनी होगी। तो चलिए अब बात करते हैं तो इसी मूवी की इंसीडियस द कहानी। रेड रेड डोर मूवी की जो कहानी बताई गई है वो कुछ ऐसी बताई गई है कि डॉल्टन और उसके जो डैड थे ना, शुरुआत में तो है ना वो लोग अपनी याददाश्त भुलाना की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ था वो बचपन में वो भूल जाए वो लोग, तो उनकी याददाश्त मिटा दी जाती है बचपन की पूरे टाइम। डॉल्टन के साथ जो भी कुछ हुआ था बचपन में, तो याददाश्त तो उसकी चली जाती है। बट उसके बाद है ना लीप दिखाया गया है, मतलब बड़े डॉल्टन की कहानी दिखाई गई है कि वो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए हॉस्टल में रहने के लिए जाता है। तो वहां पे इसको मिलती है एक अजीब सी रूममेट जिसको की मस्ती करती है, ऐसे फनी टाइप की रहती है, और इसको अंधेरे में सोना पसंद है इसकी रूममेट को। पर डॉल्टन को तो अंधेरे से काफी ज्यादा डर लगता है। तो इसकी ना एक पेंटिंग की क्लास रहती है। उस पेंटिंग की क्लास में इसकी जो प्रोफेसर रहती है ना वो क्या बोलती है कि अगर तुमको कोई भी पेंटिंग बनानी है तो कोई फोटो देख के मत बनाओ, तुम्हारे मन के अंदर दिल में जो तस्वीर दिख रही है ना वो तुम पेंटिंग पे बनाओ। तो ये डॉल्टन को आंखें बंद करना है ना, तो इसको एक लाल कलर का दरवाजा दिखता है अपने अंदर, तो वो ही ये पेंटिंग में ड्रॉ कर देता है। बट जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है ना वो सब रियल में होने लगता है डॉल्टन के साथ। डॉल्टन अंधेरे में रहता है, आंख सोने की कोशिश करता है, तो इसकी आत्मा इसके शरीर से अलग हो जाती है और दूसरी दुनिया में चली जाती है। और इसके डैड में भी ऐसी पावर्स है, इसका डैड भी सोता है ना जब, तो वो भी दूसरी दुनिया में जा सकता है, शैतानों की दुनिया में। ऐसी ये दोनों बाप बेटे में पावर्स है। तो मूवी की कहानी भी है ना कुछ ऐसी ही बताई गई है। डॉल्टन को फिर से एक बार शैतान ने ना कैद कर लिया है, डॉल्टन की आत्मा को। तो अब बाप को वापस से शैतान की दुनिया में जाना पड़ता है नींद के जरिए। तो इसके ऊपर पूरी कहानी बताई गई है कि क्या बाप अपने बेटे को वापस से शैतान की दुनिया से वापस ला पाएगा सही सलामत। और लेके भी आ गया तो वो शैतान की दुनिया का जो दरवाजा है, लाल दरवाजा, वो बंद कर पाएगा या नहीं, ये जानना मूवी में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसी के ऊपर पूरी कहानी बताई गई है। मूवी जो है वो अच्छी है देखने में, एंटरटेनिंग काफी ज्यादा है। बट मूवी में ना मूवी की एंडिंग में मुझे है ना लगा देखने में कि जैसे ना ये मूवी का अगला पार्ट भी बहुत जल्द आएगा। ऐसा क्यों लगा मुझे, क्योंकि है ना मूवी की एंडिंग में शैतान को है ना मारा नहीं है, तो शायद मूवी के मेकर्स को अगला पार्ट भी बनाना होगा इस मूवी का, इस वजह से शैतान को मारा नहीं है, ऐसा मुझे लगा देखने में। बट आपने अगर इंसीडियस द रेड डोर मूवी देखी है तो कमेंट करके ना जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। क्या आपको लगता है कि इंसीडियस का अगला पार्ट जल्दी आएगा, आएगा या नहीं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली है ना मेरे चैनल पे नए नए मूवी रिव्यू और वेब सीरीज के रिव्यू वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।